हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी ने मेरे को भेजा था ये क्वेश्चन कि हम इसको इजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कोई भी तरीका लगाओ, बट मैं आपको बताता हूँ कौन सा तरीका सबसे ईजी होगा इसको सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3। हमें ये पता है कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। नाउ 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। आप देखिए इसके अंदर 5 साइन थीटा 3 कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो दिया गया है, जिसकी वैल्यू पूछी गई है, उसके बारे में देखते हैं। 5 साइन थीटा की जगह हम रिप्लेस कर देंगे, 5 साइन थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे 3 कॉस थीटा से। तो जहाँ जहाँ 5 साइन थीटा है वहाँ पे हम 3 कॉस थीटा लिख देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर 5 साइन थीटा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अगली स्टेप 5 साइन थीटा, यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पहले से दिया गया ऑलरेडी की बार। नाउ फ्रॉम 3 cos थीटा इफ विल सब्ट्रैक्ट 1 cos थीटा, 3 cos थीटा में से 1 cos थीटा जाएगा तो 2 cos थीटा बचेगा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा, 1 cos थीटा ऐड हो रहा है तो ये होगा 4 cos थीटा। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये इससे कैंसिल 2 टाइम, तो आंसर आया 1/2। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस। देखिए कितना इजी था सॉल्व करना, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लगाना। हमें ये ट्राई करना है कि ऐसा मेथड जिसमें मार्क्स भी पूरे मिले और 100% करेक्ट हो, वो मेथड हमें सेलेक्ट करना है। तो ये मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सॉल्व लाइक दिस मोर क्वेश्चंस। बाय एवरीवन।